ये वीडियो में हम देखेंगे इम्पैक्ट बाय एनीवेल का न्यू प्रोडक्ट वीडियो डॉरफोन। ये बॉक्स है, बॉक्स में देखेंगे हम इसमें है मैनुअल, ब्रैकेट्स, इंस्टॉलेशन ब्रैकेट्स इंडोर आउटडोर यूनिट का, एक इंडोर यूनिट एक आउटडोर यूनिट एंड उसके साथ एक आएगा एडाप्टर 12 वोल्ट 1 एम्पियर, एक्चुअली दिस इज 14.5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर एडाप्टर। ओके, तो इसके कनेक्शंस देखेंगे। अगर आप स्टार्ट में देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये अपना इंडोर यूनिट है जिसमें आपका कॉलिंग रहेगा या फिर कॉल अटेंड, कॉल डिसकनेक्ट, ईएम लॉक ओपन, आर्म डिसआर्म, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे मिलेंगे। ये बैक साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मल्टीपल कनेक्शन ब्रैकेट्स अवेलेबल है। ओके, तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मल्टीपल आउटडोर यूनिट्स विद सिंगल इंडोर यूनिट, वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये है पावर सप्लाई सॉकेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीसीटीवी के लिए एक टर्मिनल है, पावर के लिए एक टर्मिनल है, चार आउटडोर यूनिट कनेक्ट करने के लिए, चार आउटडोर यूनिट्स कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पोजीशंस दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मुझे इसको पावर ऑन करना है तो ये एडाप्टर जो बाय डिफॉल्ट विद कनेक्टर दिया है, आई जस्ट नीड टू प्लग ओवर हियर। ओके, ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये जो सेकेंड जो आउट पॉइंट है, टर्मिनल है, ये मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे पावर सप्लाई में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल नंबर दिया है, दिस इज विदाउट मेमोरी कार्ड, सो I-HM SB01 एंड इसका पावर कंजम्पशन तो 14.5 वोल्ट 1 एम्पियर इज द पावर रिक्वायरमेंट ओवर हियर। ओके, तो पावर ऑन कर दो। यस, मेरा डिवाइस अभी पावर ऑन हुआ है एडाप्टर के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बस इंडोर यूनिट को पावर ऑन किया है और यहाँ पे आपको मल्टीपल कनेक्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, मल्टीपल पेजेस अगर स्विच करने हैं, सीसीटीवी है, डोर टू है या फिर आपका इंडोर यूनिट है, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। ओके, नाउ हम मूव करेंगे आउटडोर यूनिट के साथ। तो दिस इज आउटडोर यूनिट जहाँ पे आपको एक कॉलिंग स्टेशन है, कैमरा है, ये कैमरा कनेक्ट होगा, ये कैमरा थ्रू हमें वीडियो दिखेगी अपने इंडोर यूनिट पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टर्मिनल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कौन सा कलर कोड क्या है, अगर आपको मैग्नेट भी कनेक्ट करना है तो मैग्नेट के भी कनेक्शंस यहाँ पे रिले के लिए दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो चार केबल्स है, ब्लैक, ग्रीन, येल्लो एंड रेड, ये चार केबल्स आपकी डायरेक्टली टर्मिनेट होगी आपके इंडोर यूनिट के बैक साइड में। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए आपको एक केबल दिया हुआ है, अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है तो आपको एक्स्ट्रा केबल यूज़ करके आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। कनेक्शन बहुत सिंपल है, कलर टू कलर मैच करना है, ग्रीन टू ग्रीन है, ब्लैक टू ब्लैक है, येल्लो टू येल्लो है, रेड टू रेड है। ओके, तो ये इंडोर यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर कोड का सारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ग्रीन है ऑडियो के लिए, ब्लैक है ग्राउंड के लिए, येल्लो है वीडियो के लिए एंड रेड है पावर के लिए। तो नॉर्मली अगर आपको कुछ ट्रबल शूट करना है कि आपका VDP या फिर आउटडोर यूनिट पावर ऑन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे इशू रह सकता है रेड केबल में, तो वहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हो। तो इंडोर यूनिट के लिए अलग से पावर देनी नहीं है, वो आउटडोर यूनिट को पावर देने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली इंडोर यूनिट से ही कंज्यूम कर लेगा। ओके, तो यहाँ से पावर आएगा, ग्राउंड आएगा, येल्लो फॉर वीडियो एंड ग्रीन जो रहेगा वो आपका ऑडियो के लिए रहेगा। तो ऑडियो भी नहीं आ रहा है तो आपको ट्रबल शूट करना है कि देयर मे बी इशू विद द ग्रीन केबल। ओके, सो दिस वे आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सिंपल कनेक्शन किए केबल टू केबल, यहाँ पे हमको बस टेबल डेमो करना है एंड दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे शॉर्ट केबल रखा है। ओके, तो ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर फिक्स करने के लिए देखोगे VDP के बैक साइड में डोर वन, यहाँ पे आप देख सकते हो डोर वन 1 2 3 4 ये केबल टर्मिनल्स दिए है, सो ग्रीन से लेके रेड से रेड तक। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अभी यहाँ पे स्विच करके CCTV और यहाँ पे अभी मेरा आएगा डोर वन नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये कॉलिंग स्टेशन है, इसको मैं साइलेंट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया, राइट। ओनली कनेक्शंस मैंने इतने ही किए, बाकी मैग्नेट वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है,
लाइट ग्लो करके आपको फेस वगैरह आइडेंटिफाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है। नाउ हम देखेंगे आगे मैग्नेट कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ईएम लॉक करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक लैचेस कनेक्ट करने हैं, तो उसको अगर कनेक्ट करना है तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक ईएम लॉक लिया है। ईएम लॉक के साथ नॉर्मली अगर आपको एज अ एक्सेस कंट्रोल यूज़ करना है तो दो ही केबल मिलती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट। सो दिस इज माई पॉजिटिव केबल एंड ब्लैक वन इज माई निगेटिव केबल, ओके। तो ईएम लॉक अगर कनेक्ट करना है तो आपको उसका जो भी एडाप्टर रहेगा, पावर सप्लाई रहेगा एक्सटर्नल, उसको यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यूज कर रहे हैं 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक पावर एडाप्टर, उसके थ्रू हम इसको पावर दे रहे हैं। बट जब आप पावर देते हो तो आपको आउटडोर यूनिट से उसको रूट करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे देखोगे कि मेरा जो एडाप्टर था उसका एक टर्मिनल है पॉजिटिव एंड दूसरा टर्मिनल है निगेटिव। सो ये जो वाइट केबल के साथ हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे देखोगे ब्लू वाइट एंड ग्रे, ये हमारे आउटडोर यूनिट पे केबल टर्मिनल्स है, राइट। ब्लू इज़ फॉर द नॉर्मली क्लोज, वाइट इज़ फॉर द कॉमन एंड ग्रे इज़ फॉर द नॉर्मली ओपन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वाइट केबल जो है वो है कॉमन। तो मैंने क्या किया है, मेरे अडाप्टर से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे कॉमन के साथ, राइट। एंड मेरा निगेटिव जो है अडाप्टर का सेकेंड टर्मिनल, निगेटिव डायरेक्टली मैंने मैग्नेट के निगेटिव के साथ शॉर्ट किया है। नाउ आगे मेरा मैग्नेट का पॉजिटिव मेरे पास पेंडिंग है, राइट। सो मैग्नेट मेरा चलता है नॉर्मली क्लोज पे, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ब्लू यूज़ किया है बिकॉज मुझे नॉर्मली क्लोज चाहिए, राइट। तो नॉर्मली कनेक्टेड अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लू केबल कनेक्ट किया मैंने रेड केबल के साथ, तो ये मेरा हो गया मैग्नेट कनेक्शन, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे अडाप्टर ये कनेक्ट कर दूँ पावर के साथ, जस्ट अ मिनट, प्लीज़ कनेक्ट दैट अडाप्टर, प्लीज़ कनेक्ट दैट अडाप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू केबल। ब्लू का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड, राइट, नॉर्मली क्लोज्ड है। मुझे मेरा मैग्नेट का पावर नॉर्मली आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट का एलईडी इंडिकेशन आ गया, राइट। दैट मीन्स मेरा मैग्नेट पावर ऑन हो गया। तो कुछ मैग्नेट्स होते हैं नॉर्मली क्लोज पे चलते हैं, कुछ मैग्नेट्स होते हैं नॉर्मली ओपन पे चलते हैं, ओके। सो नॉर्मली क्लोज पे मेरा मैग्नेट पावर ऑन हो गया। अभी मेरा पूरा सिस्टम रेडी है, राइट, यू कैन सी दैट, ओके। दिस इज माई इनडोर यूनिट, दिस इज माई आउटडोर यूनिट, दिस इज माई इनडोर यूनिट एंड ये मेरा मैग्नेट है, राइट। तो एज पर आर रिक्वायरमेंट हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये है आर्मेचर प्लेट मैग्नेट का, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। आप अभी देख सकते हो कि आर्मेचर प्लेट इसको पकड़ के रखा है, राइट। दैट मीन्स मेरा मैग्नेट प्रॉपरली पावर ऑन हो चुका है, ओके। नाउ हम ये जो सारा कनेक्शंस किया है इसका अभी हम टेस्ट लेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी ये नॉर्मल सिनेरियो है, दैट मीन्स मेरा सिस्टम नॉर्मल है। अगर कोई आता है पर्सन डोर पे तो नॉर्मली वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो कॉल स्टेशन है, कॉल स्टेशन से ये बटन प्रेस करके बेल करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि बेल अगर करेंगे, ओके, जस्ट अ मिनट, सी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल किया है, राइट। कॉल करने के बाद मेरा वीडियो आ गया। वीडियो आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे मैग्नेट ऑलरेडी कनेक्टेड है और ये मेरा वीडियो यहाँ पे मुझे इनडोर यूनिट पे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है कि मुझे कॉल आ रहा है, अभी मैंने इसको साइलेंट किया है, ओके। तो यू कैन सी दैट कि आवाज़ आ रही है मेरी, यहाँ पे आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है। मैंने साइलेंट करके रखा था बिकॉज वो इको क्रिएट कर रहा है, राइट, मैंने साइलेंट किया। नाउ मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मुझे मैग्नेट को लैच को ओपन करना है, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे जो की का सिंबल दिया है इनडोर यूनिट पे, ये की का सिंबल जब मैं प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे मैग्नेट का पावर कट हो रहा है। यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ मैं, सी, देखो अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा आर्मेचर प्लेट भी लिफ्ट हो रहा है, राइट। सो अगेन यहाँ पे देखो, प्रेस करूँगा तो मेरा मैग्नेट का पावर कट हो रहा है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ इंडोर यूनिट पे आपको क्या क्या मिलेगा, इंडोर यूनिट पे आप देखोगे तो ये मेरा डोर वन का कनेक्शन है, जो मैंने डोर वन का ये जो डिवाइस कनेक्ट किया डोर वन दिख रहा है। अगर मैं डोर टू मतलब और कोई आउटडोर यूनिट लेता हूँ एक्सटर्नल और मुझे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डोर टू पे जाएगा, तो डोर टू का जो वीडियो रहेगा वो यहाँ पे आएगा। हम इसके साथ सीसीटीवी, एनालॉग सीसीटीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीसीटीवी कनेक्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा सीसीटीवी का, तो सीसीटीवी का प्रीव्यू भी आपको इसमें दिखेगा।
अगर आपको कुछ अलग देखना है, दैट मीन्स नेक्स्ट अगर आपको वापस डोर वन पे जाना है तो यस डोर वन पे गया। आपको साइलेंट करने के लिए ये बटन है, ओके तो मैंने साइलेंट निकाल दिया, तो यू कैन सी दैट ये साइलेंट का बटन वापस साइलेंट कर दिया मैंने। ये मेरा बटन है, ये मेरा इंडोर का बटन है, तो इसको मैंने प्रेस कर दिया, ओके तो ये सारी प्रोसेसेस है, ओके अगर मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो यस ये बटन मुझे प्रेस करना है। सो दिस इज़ अबाउट वीडियो डोर फोन विच इज़ अवेलेबल विद द इम्पैक्ट बाय हनीवेल।